नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ हैरी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पिछले वीडियो के जो क्वेश्चन बचे हुए थे पेडागोजी के, वो क्वेश्चंस लाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, किसवन नंबर का देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षाविदों के विचार से पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों की श्रृंखला को निर्धारित किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों की रुचियों से सातत्व अनुक्रम में आधारभूत पाठ्य पुस्तकों के संगठन के अनुरूप विषय वस्तु की तार्किकता के आधार पर, या लास्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम निर्माता के संगठन के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छात्रों के रुचियों से सातत्व अनुक्रम में। चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन क्या है, छात्र कक्षा के किसी घंटे में क्या अध्ययन करेगा यह निर्णय करता है। स्वयं छात्र के द्वारा, माता पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा या प्रधानाचार्य के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षक द्वारा। चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन में। कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है? प्रजातांत्रिक विधियों पर, समस्या समाधान को, विषय वस्तु के उचित संगठन को, या सहकारिता योजना को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विषय वस्तु के उचित संगठन को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है, आधुनिक शैक्षिक सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए छात्रों के द्वारा समान ढंग से नियोजित एवं विस्तृत अनुभवी व्यक्तियों द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किए जाएं। सी नंबर में किसी विषय में उपलब्ध सर्वोत्तम पाठ्यपुस्तक के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। और लास्ट ऑप्शन है सरकारी एजेंसी द्वारा अधिकृत पाठ्यक्रम को समस्त विद्यालय में समान रूप से लागू किया जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुभव व्यक्ति द्वारा सहकारिता के आधार पर नियोजित किया जाए, किंतु छात्रों के सुझाव भी सम्मिलित किए जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों 25वें नंबर में। 25वां क्वेश्चन क्या है, पाठ्यक्रम संबंधित अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है शिक्षकों का व्यस्त रखना, छात्र निवेदन, माता पिता का आग्रह या सामुदायिक मांग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा छात्र निवेदन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के विकास को संवर्धित करना। सेकंड ऑप्शन है छात्र अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, छात्र को उन्नतिशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना, या ये डी नंबर है दोस्तों, डी नंबर में है छात्रों का विद्यालय छोड़ने से बचना। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट छूट चुका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छात्रों के विकास को संवर्धित करना। चलते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास में सहायता देना, प्रतिभावान छात्रों को योग्य नागरिकता के गुणों से सुसज्जित करना। सी नंबर में छात्रों का दैनिक कक्षीय वातावरण एवं अध्ययन के कुछ अलग हटकर विश्राम प्रदान करना। और लास्ट ऑप्शन है छात्रों के मनोकूल पाठ्यक्रम चयन की सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 27वां का ऑप्शन नंबर ए, यानी छात्रों के सर्वांगीण, यानी ऑप्शन नंबर वन, यानी यहाँ पर देख सकते हो आप छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास में सहायता देना। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी विद्यालय में चलने वाली पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सर्वश्रेष्ठता का निर्णय लिया जाता है छात्र सहभागी के द्वारा, सहभागिता के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक सहभागिता की सीमा के द्वारा, छात्रों के द्वारा प्रदर्शित विभिन्न रुचियों के आधार पर, या लास्ट ऑप्शन है समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समस्त छात्रों की रुचियों की संतुष्टि की सीमा के आधार पर।